अब मैं आपको इसको ऑन ऑफ करने का तरीका बताता हूँ। नाज़िम, गीज़र को चलाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप इस पायलट को, पायलट के इस वाले कट को, इस गोल वाले बटन के बिल्कुल सामने ले आए, यहाँ पे ले आए और इसको पुश करके देखें कि ये पुश हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज जब इसको आप यहाँ पे लेके आएंगे तो ये पुश नहीं होगा, ये नीचे, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, ये बटन इसकी, इसके आगे आ जाएगा। जब इसको कट वाले पोजिशन पर लेके आएंगे तो फिर ये बटन पूरा नीचे प्रेस होगा। उसके बाद सेकंड वाली चीज़ ये कि आप इसको, ये इसका थर्मोस्टेट है, आप इसके थर्मोस्टेट को ऑन पे ले आए। जब आप इसे ऑन ऑफ का आपने देखना होगा ना, जब आप इसको, इसे घुमा रहे होंगे ना तो टिक की आवाज़ आएगी, जैसे अभी ये टिक हो चुका है, ये ऑन हो चुका है, लेकिन मैं ऑफ करके आपको इसकी टिक की आवाज़ सुनवाता हूँ। ये आवाज़ आई है, ये अब आपका यहाँ पे ऑफ हो गया हुआ है, बंद हो गया है, अभी ये दोबारा ऑन होगा, ये टिक की आवाज़ आ गई। अब ये आपका गीज़र यहाँ पे ऑन कंडीशन में है, आप इसको वार्म पे रख लें, फुल सर्दियों में आप ज़्यादा हॉट पे रख सकते हैं, कम में कम कर सकते हैं, आजकल जैसा मौसम है आप इसको वार्म पे रख लें, ये वार्म वाले बटन पे आपने आप ले आए। अब इसको ऑन करने का तरीका कि सबसे पहले इन चीज़ों के बाद आपने वाल्व खोल देना, पीछे से गीज़र का मेन वाल्व, ये खुल गया, अब इसमें गैस आना शुरू हो गई है। अब आपने क्या करना है, मैच बॉक्स लें, माचिस लें या लाइटर या जिससे भी आप गीज़र ऑन करते हैं, उस कोई भी चीज़ वगैरह, आप उसको लें और उसको आप उसको ऑन कर लें और इस वाले बटन को प्रेस करें, इस वाले बटन को, इस बटन को प्रेस कर दें, इस वाले बटन को प्रेस कर दें और मैच बॉक्स को, ये जो पल्स आपने लगाई है इसके नीचे लेके आए, इस पल्स को गर्म कर दें, इस पल्स को 5 सेकंड 7 सेकंड तक गर्म करें और फिर वापस ले आए। जब ये गर्म हो, इसके गर्म होने का आपको तब पता चलेगा जब नीचे इसका पायलट ऑन हो जाएगा, पायलट में फ्लेम आ गया, अब आपका पायलट इसको, अब खुद से आप माचिस से नहीं, अब वो पायलट खुद से इसको गर्म कर रहा है और इस बटन को छोड़ दें। अभी आपका पायलट ऑन ही रहेगा लेकिन गीज़र ऑन नहीं हुआ अभी तक। गीज़र ऑन करने के लिए ये पहले ही ऑन है, इसको, इस बटन को आपने इस साइड पे घुमा देना, यानी ये जो कट है इसका, ये जो जो कट इसकी तरफ था वो आपने इधर सामने की तरफ ले आना है, ये कट सामने की तरफ आएगा, आपका गीज़र ऑन हो चुका हुआ है। अभी आपने इसका, ये इसको थर्मोस्टेट करवाना है, आपने हाई पे रखना है, आपने हाई पे रखना है तो इसको तेज कर दें, यहाँ पे रख दें, जब ये इतना हाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली ये टर्न ऑफ हो जाएगा, और अगर आपने इसको कम पे रखना है तो वापस लेके आए और यहाँ पे ये गीजर बंद हो गया, लेकिन इसका पायलट ऑन है, गीजर बंद हो गया लेकिन पायलट ऑन है। अभी ये जब भी पानी इससे जितना इसमें, इस टाइम इसमें गर्म है, इससे ज्यादा ठंडा होगा तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। अभी हम इसको फिर ये ऑन करवाएंगे तो इसी तरह ये ऑन हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक हो चुका हुआ है। नाज़रीन, आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी हौसला अफजाई के लिए, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।